नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए एयर स्प्रिंग के बारे में बताऊंगा। एयर सस्पेंशन सिस्टम जो है, इसमें एयर स्प्रिंग कैसे काम करता है और एयर स्प्रिंग क्या कहलाता है, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, आज हम समझेंगे एयर स्प्रिंग के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों एयर स्प्रिंग देखेंगे, एयर स्प्रिंग क्या है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो एयर स्प्रिंग क्या होता है, जैसे कि आपने देखा ट्यूब, आपने कार्स वगैरह में एयर बैग्स का भी नाम सुना है, प्लास्टिक हो गया, एयर बैग की ट्यूब्स हो गई, ये यूज होता है एयर स्प्रिंग में, या हमारा पिस्टन एंड सिलेंडर टाइप का भी एयर स्प्रिंग होता है। तो एयर स्प्रिंग आर फ्लेक्सिबल बेलोस दैट कंटेन द कंप्रेस्ड एयर। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक फ्लेक्सिबल बेलो है जिसके अंदर क्या होती है, प्रेशराइज हवा भरी होती है एयर, एंड आर यूज टू कैरी द लोड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और यह ऑटोमोबाइल के लोड को बियर करता है, कैरी करके रखता है। इट इज मेड बाय टेक्सटाइल रेनफोर्स्ड रबर, ये जो टेक्सटाइल होती है उसकी रेनफोर्स्ड रबर होती है उससे बना होता है। द बेलो आर इन्फ्लेटेड बाय द एयर प्रेशर विच लिफ्ट द चेसिस अवे फ्रॉम द एक्सल। तो जब इस बेलोस में क्या होती है, एयर भरी जाती है, हवा भरी जाती है प्रेशराइज, तो ये क्या होता है, फूल जाता है, एक्सपेंड होगा हवा भरने के बाद, तो क्या होगा, जो चेसिस है वो हमारी एक्सल से क्या होगी, थोड़ी सी दूर हो जाएगी, गैप हो जाएगा। तो जो इसका उपयोग किया जाता है, इट इज यूज्ड इन हैवी ड्यूटी ट्रक्स ट्रेलर्स एंड बसेस। इसका उपयोग हैवी ड्यूटी ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, ट्रेलर्स हो गए, इन सब में उपयोग किया जाता है। तो जो एयर स्प्रिंग है, ये एयर सस्पेंशन सिस्टम का ही एक क्या है, पार्ट है। इसको हम एयर सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, जिसमें बेलोस टाइप एयर स्प्रिंग यूज होता है या पिस्टन टाइप एयर स्प्रिंग उपयोग किया जाता है। तो अब ये कैसे काम करता है, अब यहाँ पे जो एयर सस्पेंशन सिस्टम है, मेड बाय इन एयर स्प्रिंग, जो एयर सस्पेंशन सिस्टम है वो किससे बना होता है, एयर स्प्रिंग से बना होता है, जिसको हम जानते हैं एयर बैग या रबर सिस्टम भी बोलते हैं, मीन्स इसको एयर बैग या रबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सभी All of which are coupled to an air compressor, इसके जो सभी पार्ट होते हैं वो एयर कंप्रेसर से क्या होते हैं, कंप्रेसर हो गया, बाल्ब हो गया, सोलोनाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स हैं, इन सब पार्ट से मिलके क्या होता है, असेंबल होता है। द जो कंप्रेसर होता है वो एक इलेक्ट्रिक पंप है, जो कंप्रेस करेगा, पंप चलेगा तो एयर को सक करके, तो ये क्या है, पंप है, दैट यूज वेरियस लाइन टू सप्लाई एयर टू द एयर स्प्रिंग, जिसमें बहुत सारी लाइन्स होती हैं, पाइपलाइंस होती हैं, जो एयर को सप्लाई करती हैं बेलोस के अंदर। बल्ब्स आर क्रिशियल इन दिस सिचुएशन बिकॉज दे कंट्रोल एयर फ्लो, इसमें जो बल्ब है वो एयर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं एंड अलाउ करता है एयर को टू असिस्ट वेरियस पोर्शन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के सभी पोर्शन में एयर आपकी फिल हुई या नहीं। When the system adjusts for different driving conditions, जब हमारा ये सिस्टम है अलग अलग ड्राइविंग कंडीशन में यूज होता है, कि जैसे हैवी लोड में चल रहे हैं, खाली चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एयर होती है डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस में, ये हमारा सोलोनाइड जो होता है वो ओपन एंड क्लोज करता है वाल्व को, जिससे एयर है, ये ट्यूब हमारी बेंट होती है और एयर का जो अमाउंट है ये चेंज होता है, और एयर उसी के अकॉर्डिंग इसमें बेलोज में फिल की जाती है जैसी हमको आवश्यकता होती है। जैसे कि आपके बस में 50 लोग बैठे हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा, सेंसर लगे होते हैं, खाली बस है तो थोड़ी कम एयर रहेगी, बहुत ज़्यादा लोड है तो उसको भी एयर करने के लिए ज़्यादा प्रेशराइज एयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से जो हमारा सिस्टम है एयर स्प्रिंग, ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।